हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या बीबीए हम एसओएल से कर सकते हैं। जी हाँ, बीबीए का जो कोर्स है ना पिछले साल ही एसओएल में आया है और एसओएल के बीबीए के जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं 2024 के लिए। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस क्या लगेगी, कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। फुल डिटेल आज की वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो अगर आप एसओएल से बीबीए जिसका फुल फॉर्म है बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एमबीए से पहले किए जाने वाला बैचलर मार्केटिंग कोर्स है। बीबीए बहुत फेमस कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है और मुझे लगा नहीं था कि एसओएल में कोर्स आएगा, बट पिछले साल ही से इंट्रोड्यूस कर दिया गया और पिछले साल से ही एसओएल के अंदर इस ये कोर्स आपको देखने को मिलता है। तो बीबीए के जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके 2024 के लिए। तो अगर आप बीबीए से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 साल का बेसिकली ये कोर्स रहेगा, 3 से 4 साल का, यानी इसमें एनईपी लागू है। तो 4 साल वाला भी कर सकते हो, 3 साल वाला भी कर सकते हो, तो ये आपके पास चॉइस रहेगी। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह हम जान लेते हैं, फीस कितनी लगेगी, सारा कोर्स स्ट्रक्चर आज आपकी वीडियो में प्रोवाइड आपको कराने वाले। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं, तो आ जाते हैं बीबीए पे। आप देखिए, अगर आपको एसओएल से बीबीए करना है तो एसओएल में जो बीबीए है वो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एफआईए, ठीक है। तो इस नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी सिंपल है, एक लैंग्वेज कोर्स आपके पास होना चाहिए, एक सब्जेक्ट आपके 12th में। इसके अलावा मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, मैथ का एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जिसमें आप पास होने चाहिए। यानी मैथ का सब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है। 12th में अगर आपके पास मैथ है तो इसमें आप एडमिशन आपको मिलेगा। इसका 45% आपकी 12th में होनी चाहिए। SC ST से है तो सब पास चलेगा और OBC से 40% पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यानी इसमें थोड़ा सा एलिजिबिलिटी का वो खेल है। तो ये चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस कितनी जाएगी। तो देखिए, फ़ीस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए एफआईए के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो एक साल की फ़ीस आपकी जाएगी 2 सेमेस्टर की मिला के, वो फ़ीस आपकी जाएगी 18,970 रुपये। जी हाँ, यानी 18,970 रुपये अगर आपके पास है, तकरीबन 19,000 रुपये अगर आपके पास है तभी आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। यानी एडमिशन के टाइम पे आपकी फ़ीस जाएगी 18,970 रुपये। और हाँ, हर साल जब भी आप एडमिशन आपका होगा, जैसे अभी फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ले रहे हो, फिर सेकंड ईयर के लिए लोगे, तो इतनी ही फ़ीस आपको देनी होगी। ये कोर्स आपका 3 से 4 साल का कोर्स है, यानी इसमें ऑप्शन रहेगा या तो आप 3 साल में कंप्लीट कर लो वरना आपको 1 साल और दिया जाएगा। अगर 4 साल वाला ग्रेजुएशन करते हो तो आपको एडवांस डिग्री दी जाएगी। तो ये एनईपी के तहत इसका कोर्स है, एडमिशन आपको मिलेगा, तो वो मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल ये समझ लीजिए, ठीक है। तो एडमिशन इसके ओपन है, कोई इसमें CUT नहीं देना, कोई भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसमें आपको एडमिशन इसमें मिल जाएगा। सीट्स की ऐसी कोई बंदोबस्त इसमें है नहीं, ठीक है, डायरेक्ट इसमें आपको एडमिशन आप ले सकते हो। सीट नो लिमिट है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है कि वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर की बात की जाए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। आप देखिए कौन कौन से रहेंगे, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे वो आपके रहेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको मिलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगा और स्टैटिक्स ऑफ बिजनेस डिसीजन मिलेगा। वहीं सेकेंड सेमेस्टर में आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगा और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मिलेगा। तो ये आपके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर हो गए। पर सेमेस्टर आपके पास 7 सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे, यानी एक ईयर में आपके पास टोटल 2 सेमेस्टर को मिला के 14 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट तो यही हो गए आपके कंपलसरी, ठीक है। इसके अलावा जेनिक इलेक्टिव में से आपको चूज़ करना होगा, इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जेनियर फिक्शन आप ले सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में। और वहीं बात की जाए सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 2 चॉइस मिलेगी, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट ले सकते हो, द इंडिविजुअल सोसाइटी ले सकते हो, ठीक है। तो इनमें से आप ले उससे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लेना इसमें से, और इंडिविजुअल सोसाइटी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सब कोर्स हो गए, आप इनमें से ऐड ले सकते हो। तो 3 ये हो गए 3 और 1 4 3 1 और 1 4, यानी टोटल कितने हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के 4 और ये। और बाकी अब आ जाते हैं आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट है उनकी भी जरा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, वो आपके 4 हो गए, एक जेनिक इलेक्टिव का, 3 कंपलसरी, फिर आपको AEC में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। अब इसमें आप इन्वायरमेंटल साइंस भी ले सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में आप 1 हिंदी का भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, ठीक है।
फिर एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है स्किल एनहांसमेंट में से, वही फर्स्ट सेमेस्टर से भी आपको एक चूज़ करना है और आपका सेकंड में भी। ध्यान रखना वही सब्जेक्ट आपको फर्स्ट में लेना जो सेकंड में आपने नया लिया हो। अगर आप फर्स्ट में वो सब्जेक्ट ले चुके हो तो सेकंड में आपको अलग सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन कई सारे मिलेंगे, फाइनेंस फॉर एवरीवन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, बेसिक आईटी टूल है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज है, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ है, ठीक है। इसके अलावा फिर वैल्यूएशन से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, भारतीय भक्ति परंपरा मानव मूल्य कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फंडामेंटल ड्यूटी है, रीडिंग इंडियन फिक्शन इंग्लिश है, योगा फिलोसफी प्रैक्टिस है, पंचकोश है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है। वो सब्जेक्ट लेना जो आपके लिए ईजी हो। तो एडमिशन इसके ओपन हो चुके हैं। अब बात कर ली जाए इसके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम इसके सेमेस्टर वाइज होते हैं। पहले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, देन उसके सेकंड के होंगे, और एग्ज़ाम से पहले आप सभी का असेसमेंट भी करवाया जाएगा जिसकी जानकारी मैं आने वाले टाइम पे दूंगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आप बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो एसओएल के बीबीए के जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं, तो आप आसानी के साथ बीबीए में एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू।